बोले सोने हाल सास्रियकाल। हैदराबाद में आयोजित हुई राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हरियाणा से एकमात्र सिख नौजवान खिलाड़ी सरदार विक्रम सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। 15 वर्षीय खिलाड़ी सरदार विक्रम सिंह ने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसके चलते सिख समाज और छोटे से कस्बे इस्माइलाबाद की स्टील मैन के नाम से प्रसिद्ध एकेडमी का खूब नाम हो रहा है। आज कुरुक्षेत्र पहुंचने पर ब्रह्म सरोवर पर खिलाड़ी का स्वागत किया गया। मैं अभी हैदराबाद से आज ही अब पहुंचे हैं यहाँ पर। तो हमारा 16 से लेकर 20 तारीख तक नेशनल पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, हैदराबाद में एलबी स्टेडियम, लाल बहादुर स्टेडियम में थी, जिसमें ऑल इंडिया के, ऑल स्टेट के सब पार्टिसिपेटों ने भाग लिया। वो बहुत बड़ा कंपटीशन था जिसमें 900 से ऊपर प्रतिभागी भाग लिए थे। हरियाणा में से 12-13 पार्टिसिपेट गए थे। तो मेरी अकेडमी से, स्टील मैन अकेडमी जो इस्माइलाबाद में है, उससे विक्रम और ईशा लड़की गई थी। तो विक्रम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस कंपटीशन के अंदर हमने हरियाणा में से ब्राउन मेडल मारा है, थर्ड आया हमारा स्टूडेंट है विक्रम जो मेरे साथ खड़ा है। ये सब जूनियर में है, ये 15.5 साल का है। उसने अपने वेट के हिसाब से बहुत बढ़िया वेट उठाया पावर लिफ्टिंग में और आज पूरे इंडिया में से थर्ड आया है। और मैं अपने हरियाणा वासियों को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप सबके प्यार से पहले भी मैं अपने देश का नाम चमका रहा हूँ और आगे मेरी एकेडमी में सब स्टूडेंट मिलके अपने देश का नाम, अपने हरियाणा का नाम, अपने कुरुक्षेत्र का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। कितने बच्चे गए थे खेलने के लिए पूरे हरियाणा से, बात की जाए ऑल ओवर इंडिया से? ऑल ओवर इंडिया से IPF की तरफ से कराया जाता है, इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से कराया जाता है। हमें भी पहली बार पता चला था, तो हम पहले दिल्ली कंपटीशन लड़ा था, तो हम फिर सिलेक्शन हुई नेशनल में, तो हम यहाँ से हरियाणा से 12 या 13 जने गए थे। तो बाकी ये साउथ से, गुजरात से, MP से, उधर दिल्ली से बहुत स्टूडेंट थे, 800-900 स्टूडेंट थे। हमारे हरियाणा से थोड़े कम ही गए थे, पर फिर भी हम अपने हरियाणा के लिए एक मेडल लेके आए हैं और पूरी दिल जान से मेहनत करी है। हमारी जो लड़की है ईशा, वो भी 4th पोजीशन पे आई है पूरे ऑल इंडिया में अपनी कैटेगरी में, क्योंकि वेट कैटेगरी से पावर लिफ्टिंग होती है। आपको बता दें, हैदराबाद में 16 से लेकर 20 तारीख तक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप लाल बहादुर स्टेडियम में आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से 900 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। हरियाणा प्रदेश से सिर्फ 12 खिलाड़ियों ने ही इसमें भाग लिया और हरियाणा से सिर्फ एक खिलाड़ी ही ब्रॉन्ज मेडल जीत कर प्रदेश वापस लौटा है। मेरा नाम विक्रम, हम हैदराबाद इंडियन पावर लिफ्टिंग गेम खेलने के लिए गए थे। भी पहले हम नॉर्थ इंडिया में खेलते थे जहाँ पे भी मेरा गोल्ड था। अब हम ऑल इंडिया में खेलने गए थे जहाँ पे मैं 3rd पोजीशन पे आया हूँ और अगली बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं गोल्ड प्राप्त करूं। और जैसे ही हमारे कोच हैं स्टील मैन ऑफ इंडिया, जैसे इन्होंने अपना भी पूरे इंडिया में अपना नाम किया है, वैसे ही मैं भी अपने पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करूंगा और अपने देश का नाम ऊंचा करूंगा। जैसे नीरज चोपड़ा ने बाला फेंक के पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम ऊंचा किया, वैसे ही मैं पावर लिफ्टिंग खेल के अपने भारत कुरुक्षेत्र का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाऊंगा। हम दिन में 3 से 4 घंटे मेहनत करते थे और भी डेली जिम में जाना और मेहनत करना, इस मेहनत हमारी रंग लाई। देश भर में प्रदेश का नाम रोशन कर खिलाड़ी और अकेडमी के संचालक बेहद ही खुश हैं। इसी के साथ ही वो अपनी प्रैक्टिस जारी रख खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।